तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। नया साल का ये आज दूसरा शायद सोमवार, और कहानी आगे बढ़ाऊँ उससे पहले दिल से तमाम आप लोगों का शुक्रिया। बहुत सारे मेल मैसेजेस बर्थडे विशेस के लिए, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन आप लोगों का प्यार देख के बड़ा इमोशनल भी हो गया, तो थैंक यू वेरी मच। सभी का नाम लेना बड़ा मुश्किल है लेकिन ऐसे पता नहीं कितने हज़ार हो गए थे, तो हज़ारों मैसेजेस के लिए शुक्रिया। और बीच में मैं छुट्टी पे भी था लेकिन आप लोगों के लिए कहानी भी रिकॉर्ड की थी, सिर्फ एक दिन एब्सेंट रहा होगा ताकि शिकायतें ना हो। और अब मैं लौट आया तो कहानी का सिलसिला आज से फिर से शुरू करता हूँ। और जब मैं गया था तब पता चला कि दिल्ली में मौसम ठीक हो गया था, सर्दी कम हो गई थी। जब लौटा तो आज से फिर वापस ठंड लौट आई है, तो लगता है पता नहीं ठंड का भी कुछ रिश्ता है अपना। खैर, कहानी की तरफ लौटते हैं। आज की कहानी जिसमें बहुत सारे लोगों के मैं मेल पढ़ा था, फरमाइश थी और ये चल भी रहा दो तीन दिनों से। आप सभी को पता होगा कि ईरान के जो मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, एक एयर स्ट्राइक जो हुआ, एक एयर अटैक हुआ, उसमें मौत हो गई। ये बगदाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब हुआ और 2 और 3 जनवरी की रात की बात है ये। उसको लेके ईरान और अमेरिका में फिर से ठन गई है और ईरान ने ये कहा है कि अब इसका बदला लेगा। और आज जो लेटेस्ट खबर वही है कि ईरान में एक जगह है, एक मस्जिद है वहाँ पे कुम करके, और उस मस्जिद के ऊपर एक लाल रंग का झंडा फहरा दिया गया। ईरान के लोगों को ये बात मालूम है कि इस झंडे को फहराने का मतलब क्या होता है। उस मस्जिद के ऊपर ये लाल रंग का झंडा तभी फहराया जाता है जब आप एक तरह से जंग करने जा रहे हो आप, तो यही कहा जा रहा है कि ये झंडा इसलिए फहराया गया ताकि मेजर सुलेमानी की मौत का बदला जो है वो ईरान एलानिया लेना चाहता है। किस तरीके से लेगा, क्या होगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा जो भी जानकार मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन पहली चीज़ मेजर कासिम सुलेमानी से भी पहले आते हैं, कई सवाल लोगों के मन में। एक, ईरान और अमेरिका में इतनी दुश्मनी क्यों है? करीब 40 साल हो गए, 41वां साल लग गया इन दोनों के बीच की दुश्मनी में, कभी रिश्ते अच्छे नहीं हुए। एक देश का एक मेजर जनरल, उसकी अमेरिका से ऐसी क्या दुश्मनी? किसी देश की आर्मी को या किसी देश की उस आर्मी के चीफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट अमेरिका कैसे घोषित कर सकता है? ये भी लोगों के सवाल हैं। एक मेजर जनरल की मौत पे अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति अमेरिकी फ्लैग को ट्वीट करके अपनी खुशी कैसे जाहिर कर सकता, क्या इतना इम्पोर्टेंट क्यों था वो? ये सारे सवाल हैं। मैं कोशिश करूंगा जितनी मेरी समझ है आप तक इन सवालों के जवाब पहुंचाऊं। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी को समझने के लिए पहले ईरान को समझना ज़रूरी है। ईरान में पहले 50-50 के बाद थोड़ा सा ईरान की जो पूरी सरकार थी उस वक्त, जो शाही वहाँ पे राज था, तो ब्रिटिश जिस तरीके से पूरी दुनिया में छाए हुए थे, ईरान पे भी उनका असर था। और उस वक्त वहाँ पे पहलवी ख़ानदान की हुकूमत थी ईरान में, और पहलवी जो है वो बादशाह, वो ज़्यादातर वेस्टर्न जो कल्चर है और उन चीज़ों की तरफ उनका रुझान था। पैसे बहुत थे, तेल के कुएं नेमत की तरह मिले ईरान को, तो धीरे धीरे वो पैसे भी आए। लेकिन जो बड़े शहर तेहरान और बाकी, वहाँ के लोग तो अच्छे से रहने लगे, लेकिन जो छोटे छोटी जगहों पे थे वहाँ के लोगों में गरीबी, तो अमीरी और गरीबी में बड़ा फ़र्क आया। और ये सारी चीज़ें चलती रही, लोगों में नाराज़गी थी बादशाह को लेकर, उसके फैसले को लेकर, अमीरी गरीबी के फ़र्क को लेकर। इसी दौरान में एक 1962 में एक धार्मिक नेता के तौर पर आयतुल्ला खुमैनी जो है ईरान की तस्वीर में सामने आते हैं। और 62 में आने के बाद तब तक बहुत सारे वहाँ के जो लोग थे वो इस शाही परिवार के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देता है। तो 62 में आयतुल्ला खुमैनी भी जो है वो उस वक्त जो आखिरी राजा थे पहलवी ख़ानदान के, शाह रज़ा पहलवी, तो शाह रज़ा पहलवी के खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे आयतुल्ला खुमैनी चूँकि एक धार्मिक नेता थे तो लोगों में बड़ा उनका क्रेज़ था, उनके भाषणों का, उनकी बातों का, तो एक तरह से आयतुल्ला खुमैनी उनका चेहरा बन जाते हैं। 62 में ईरान में ये आंदोलन शुरू होता है 62 में, और इस आंदोलन की जो बेसिक चीज़ थी वो ये थी
कि वेस्टर्न कल्चर और बाकी चीज़ों और अमेरिका इन सब की जो है तरफदारी करते हैं पहलवी, जबकि वहाँ पे इस्लामिक कल्चर होना चाहिए। तो चूंकि आयतुल्ला खुमैनी एक धार्मिक नेता थे, इस्लामिक कल्चर को लेके आवाज़ उठाई और इस्लामिक और शरिया के हिसाब से सब कुछ हो उसको लेके एक आंदोलन चला। लेकिन आंदोलन जब उग्र होता गया तो 2 साल बाद ही 1964 में पहलवी के इशारे पर आयतुल्ला खुमैनी को फिर बाहर भेज दिया गया। वो एक निर्वासित ज़िंदगी बिताने लगे और वो फ्रांस पहुंच गए और फ्रांस में ही उन्होंने अगले 14 साल काटे एक निर्वासित ज़िंदगी के तौर पर। इस दौरान में 77 जब 1977 आया तो 77 में फिर ये आंदोलन तेज़ी से आगे बढ़ा। अब स्टूडेंट और बाकी लोग भी इसमें शामिल हो गए। आम लोग भी, ईरान में हालात ठीक नहीं थे, रोज़गार नहीं था, अमीरी गरीबी में फ़र्क था। 77 में ये आंदोलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। इसके बाद अब शाह रज़ा पहलवी को लग गया था कि उसका यहाँ पर रहना मुश्किल है, तो फिर शाह पहलवी ने उस वक्त के एक प्रधानमंत्री को सारा अधिकार देते हुए अपने फैमिली को लेकर वहाँ से वो निकल गया, उसने देश छोड़ दिया। अब जो बीच में जिस प्रधानमंत्री को छोड़ा था वो लोगों की आवाज़ को दबाने में लग गए। सेना भी सड़कों पर उतर आई, बहुत सारी गोलीबारी हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। और इन पूरी चीज़ों को उस वक्त आयतुल्ला खुमैनी दूसरे देश में बैठकर एक तरह से वो रास्ता दिखा रहे थे, वो इसको लीड कर रहे थे और ये सिलसिला चलता रहा। और इसको नाम दिया गया है इस्लामिक क्रांति, जो ईरान में शुरू हुआ था। 78 आते आते इसमें धार्मिक लोग और बाकी लोग भी शामिल होते गए इस आंदोलन में। और ईरान में लगभग कोई ऐसा तबका नहीं था, कोई ऐसी जमात नहीं थी जो इस आंदोलन में शामिल ना हुआ हो। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था और इसी वजह से फिर शाह को अपने फैमिली के साथ वहां से जाना पड़ा। उनके जाने के बाद अचानक 1 फरवरी 1979 को आयतुल्ला खुमैनी पहली बार तेहरान पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पे उनके समर्थक उनका जबरदस्त स्वागत करते हैं और इसके बाद आयतुल्ला खुमैनी ये एक पूरा जनमत संग्रह कराते हैं, जो प्रधानमंत्री और शाही परिवार है उसके खात्मे का ऐलान होता है। और इसके बाद ईरान को पहली बार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान घोषित कर दिया जाता है। नई सरकार बनती है और जो पूरा संविधान था वो ही है ईरान का जो 1979 के बाद बना। उसमें यह है कि इसमें सरकार तो सरकार चलाएगी, जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं वो, लेकिन सबसे बड़ा जो शख्स होगा इस पूरे ईरान का वो एक धार्मिक नेता होगा, जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा पावर होगा। और इस तरीके से आयतुल्ला खुमैनी वहाँ के धार्मिक नेता बने। इसके बाद चुनाव हुए, वहाँ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी होता है, आज भी है, लेकिन सबसे बड़ा दर्जा धार्मिक गुरु को होता है, वो आयतुल्ला खुमैनी। तो संविधान के तहत आयतुल्ला खुमैनी को पूरे जीवन भर उस धार्मिक गुरु का खिताब दिया गया कि जब तक वो ज़िंदा रहेंगे वो इस पद पर बने रहेंगे। तो 1979 में इस्लामिक क्रांति एक तरह से कामयाब रहा, शाही परिवार का अंत हुआ, आयतुल्ला खुमैनी वहाँ के धार्मिक गुरु बने और पूरी दुनिया में ईरान पहला जो है वो एक तरह से शिया बहुल देश बना। अब यहीं से गड़बड़ शुरू होती है 1979 से, क्योंकि इस क्रांति ने ईरान को एक तरह से दुनिया का पहला शिया मुल्क घोषित कर दिया। अब तक जो गल्फ में खास तौर पर मिडिल ईस्ट में सारे जो देश थे उसमें सबसे बड़ा तेल के भी हिसाब से अगर हम बात करें, तेल के कुएं, तेल का निर्यात सऊदी अरब है। सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश, मिडिल ईस्ट में बाकी जितने भी देश हैं वो सब सुन्नी बहुल देश हैं। अब यहाँ पे एक टकराव शुरू हो गया ईरान के और आयतुल्ला खुमैनी के, वहाँ के धार्मिक गुरु बनने के बाद, इस्लामिक क्रांति के बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ, अब वहाँ मुस्लिम देशों में ही टकराव शुरू हो गया, एक तरफ शिया देश एक तरफ सुन्नी देश। सऊदी अरब ने अमेरिका का हाथ पकड़ा, अमेरिका का दोस्त बना, अमेरिका ने भी कहा कि उसके हित की रक्षा करेंगे। उधर 1979 के इस कामयाब क्रांति के बाद पड़ोस में इराक है, सद्दाम हुसैन को अब डर ये लगने लगा कि जिस तरीके से ईरान में क्रांति हुई और वहाँ की शाही परिवार को हटाया गया और वो एक इस्लामिक राज्य बना, और चूंकि इराक में भी बहुत बड़ी तादाद में शिया रहते हैं, वहाँ पॉपुलेशन जो है वो 52 और 48
या 51 या 49 है रेशो के हिसाब से। जो मेजोरिटी है वो शियाओं का है इराक में भी, 51% शायद पॉपुलेशन इस वक्त शियाओं की इराक में और 49% सुन्नियों की है। सद्दाम से पहले लगातार इराक में भी जो है वो माइनॉरिटी में होने के बावजूद सुन्नियों का शासन रहा, लेकिन 2005 में जब सद्दाम का तख्ता वख्ता पलट गया तो फिर वहाँ पे पहली बार सुन्नी जो है वो वहाँ की सरकार के मुखिया बने। तो उस वक्त जब 1979 में ही हुआ तो सद्दाम हुसैन को यह ख़तरा लगने लगा था कि इराक में भी कहीं शिया क्रांति ना हो जाए और सब कुछ उलट पुलट ना हो जाए, और इसीलिए इस क्रांति को दबाने से पहले ही 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान से जंग शुरू कर दी जो 8 साल तक चला, 1980 में शुरू हुआ 88 तक चला, जिसमें लाखों लोग दोनों तरफ से मारे गए। तो ईरान की ये क्रांति जो है ये न सिर्फ इस क्रांति ने दुनिया में काफ़ी असर डाला, यही क्रांति शायद ईरान और इराक के जंग की वजह भी बनी, क्योंकि सद्दाम हुसैन डर गया था और उसकी वजह से ये जंग कि इराक में शियाओं की आवाज़ को सब दबा दिया जाए। अब इस जब जो जंग शुरू हुई ईरान और इराक के बीच में, यहीं से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की एक तरह से बुनियाद पड़ती है, जंग ईरान और इराक के बीच में, लेकिन अमेरिका ने साथ दिया इराक का यानी सद्दाम हुसैन का, और उस वक्त सद्दाम हुसैन सत्ता में थे। ईरान को इससे बहुत नुकसान हुआ, फौजी तरीके से हथियारों के तरीके से देखें तो अमेरिका ने खुलकर सद्दाम हुसैन की मदद की 1980 में। देखिए 20-22 साल बाद यही अमेरिका था जिसने फिर सद्दाम हुसैन को तख्ते से हटाया और फांसी की सज़ा दी और मौत दी भी। तो ये अमेरिका की पूरी पॉलिसी आप इससे समझ सकते हैं। तो 1980 में जब ईरान इराक के बीच में जंग हुई तो उस जंग में अमेरिका ने ईरान की बजाय इराक का साथ दिया, इससे इन दोनों के बीच की दुश्मनी शुरुआत हुई। इसके बाद खैर वो जंग ख़त्म होती है, जंग ख़त्म होने के बाद बाकी चीज़ें चलती है। लेकिन इधर 1979 में जब आयतुल्ला खुमैनी वहाँ के धार्मिक गुरु बनते हैं, शाही परिवार का अंत होता है, तो बुनियाद जो इराक और ईरान के बीच में जो जंग थी और अमेरिका ने जो इराक का साथ दिया था उसकी बुनियाद उससे पहले कुछ महीने पहले पड़ गई थी। हुआ ये कि जब तख्ता पलट हुआ ईरान में तो ये सारे जो शाही परिवार के लोग थे अपनी फैमिली के साथ वहाँ से निकल गए, और शाह रज़ा पहलवी कुछ दिनों के लिए अमेरिका में जाकर अमेरिका ने उनको शरण दे दी। ईरानियों की मांग थी कि शाह रज़ा पहलवी को ईरान भेजा जाए ताकि वो उसके किए कि उसको सज़ा दे सकें, अमेरिका ने मना कर दिया। इसी गुस्से में जो वहाँ के लोग थे ईरान के, उन्होंने तेहरान में अमेरिकी दूतावास का घेराव किया, और कहते हैं कि उसमें हजारों लाखों लोग थे, छात्र बहुत थे, स्टूडेंट बहुत थे। 4 नवंबर 1979 का ये वाकया है, इस पर फिल्म भी बनी है। तेहरान में अमेरिकी दूतावास को चारों तरफ से घेर लिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया, और 52 अमेरिकी जो उस दूतावास में काम करते थे उनको इन्होंने बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद ईरान की एक ही मांग थी कि शाह रज़ा पहलवी को ईरान के हवाले किया जाए, ईरान के कानून के हिसाब से उसको सजा देंगे। अमेरिका ने ये बात मानी नहीं, बल्कि अमेरिका ने इसको ऑपरेशन के ज़रिए ख़ास छुड़ाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाया। करीब 444 दिनों तक ये 52 अमेरिकी दूतावास के एम्प्लाई, अमेरिकी नागरिक तेहरान में बंधक बने रहे। आखिर में इसके बाद अमेरिका ने फिर यूएन की मदद ली, कुछ दूसरे देशों की मदद ली, और इसी बीच में अल्जीरिया ने इसमें थोड़ी सी मदद की और उसने अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत कराई, मध्यस्थता कराई। इस दौरान अमेरिका ने इस वाक़े के बाद ईरान पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। अल्जीरिया के दखल देने के बाद 1981 में ईरान और अमेरिका में एक समझौता होता है। समझौता ये था कि अमेरिका जो है वो आर्थिक प्रतिबंध जो है वो हटाएगा, जो उसने वहाँ के सारे बैंक और उस पर रोक लगा दी थी वो रोक को हटाएगा, जो उसने बहुत सारे पैसे जब्त कर रखे थे बैंकों में वो रिलीज़ करेगा, और इसके बदले में ईरान उन अमेरिकी बंधकों को रिहा करेगा।
20 जनवरी 1981 यानी 444 दिन के बाद 52 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया। तो एक इस होस्टेज की वजह से भी इन दोनों के रिश्ते बड़े खराब हुए। इसके बाद खैर 80 में अमेरिका साथ देता है इराक का, क्योंकि यह वाला जख्म उसके लिए ताज़ा था, और फिर इराक ईरान जंग खत्म होती है। लेकिन अमेरिका की नज़र हर मिडिल ईस्ट में, खासतौर पर बाकी देशों में, तेल के कुएं को लेकर हमेशा से रही। दो दो वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में ज़्यादातर देशों की आर्थिक हालत बड़ी खस्ता थी। हर एक अपने पैर पर जमा होना चाहता था, सभी की नज़र इन तेल के कुएं पर थी। तो बहुत सारे ऐसे मुल्क जो अमेरिका के साथ आसानी से हो लिए या धमकी से हो लिए, कुछ ऐसे थे जिन्होंने हमेशा मना किया। उनमें से एक ईरान था कि वो तेल के अपने बिजनेस या तेल की बाकी चीज़ों को लेके जो भी अमेरिका की शर्तें हैं वो नहीं मानेगा, वो अपने इंडिपेंडेंटली वो काम करेगा। तो इसने भी रिश्ते को ख़राब किए। ये सारी चीज़ें चलती रही। इसके बाद आयतुल्ला खुमैनी जब आए तो उन्होंने एक चीज़ और किया, उन्होंने ये किया कि एक आर्मी ऐसी हो जो देश के अंदर की सुरक्षा देखे, इसके अलावा नेवी एयरफोर्स अलग हो, लेकिन एक ऐसी हो जो ईरान के अंदर भी और ईरान के बाहर भी ईरान के हित के लिए काम करे। और उस फोर्स का नाम रखा था रिवॉल्यूशनरी गार्ड। अब यह रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो था, यह बनाया गया इसी मकसद के लिए कि ये ईरान के बाहर और ईरान के अंदर ईरान के हितों की रक्षा करे, जैसे आमतौर पर देश सारे करते हैं। लेकिन इसी रिवॉल्यूशनरी गार्ड में एक विंग था, एक विंग है अभी भी है, जिसको कुद्स फोर्स कहते हैं। कुद्स फोर्स, कुद्स फोर्स को स्पेशलाइजेशन थी खास तौर पे ये कि वो ईरान के सीमा के बाहर ईरान के हितों की रक्षा करने के लिए काम करेगी, और ये वहां की सबसे एलीट फोर्स में से एक आती है। तो ये जो रिवॉल्यूशनरी वहां की गार्ड्स हैं, ईरान की सेना है, उसी का एक विंग है, जैसे हर देश का अलग अलग होता है। कहते हैं कि जो इनका कुछ फोर्स है, ये दुनिया में अलग अलग जो एम्बेसी हैं उसमें एम्प्लॉय के तौर पे भी ये भेजे जाते हैं, और ये सारे ट्रेन होते हैं, बिल्कुल एक फौजी ही होते हैं सब कुछ। और ये वहाँ पर जाकर ईरान के लिए काम करते हैं, और जो भी ईरान के दुश्मन हैं या बाकी उसके लिए भी वो जो भी करना होता है वो करते हैं। ख़ासतौर पर चार ऐसे देश थे जहाँ पर कुछ फोर्स ने काफ़ी काम किया, और ये उनके दोस्त भी बने, सीरिया, यमन, लेबनान और इराक। इराक में चूंकि शिया, मैंने आपको बताया, जैसे मेजोरिटी में है तो ईरान से वो मिलता जुलता है, तो ईरान के बहुत सारे समर्थक हैं इराक में। यमन में भी कुछ फोर्स का काफ़ी प्रभाव रहा। सीरिया में बशर अल असद की सरकार है, और 2011 से वहाँ से जो एक गृह युद्ध जैसे हालात हैं, क्योंकि वहीं पर विद्रोही गुट ने बशर अल असद को हटाने के लिए एक जंग छेड़ रखी थी, उसमें कुर्दिश और बाकी लोग थे। लेकिन ईरान ने ये लिया स्टैंड कि वो बशर अल असद की सरकार को बचाएगा, तख्ता पलटने से वो रोकेगा। अब यहाँ पे ताकत ये हो गई कि अमेरिका जो है वो चाहता था कि सीरिया में तख्ता पलट हो, और वो बशर अल असद सरकार के ख़िलाफ़ है। रूस जो है वो भी बशर अल असद सरकार के फेवर में है, जैसे ईरान है। तो अब यहाँ सुपर पावर अलग अलग हो गए। लेकिन ईरान की मजबूरी ये थी कि ईरान का कहना था कि सीरिया को किसी तरह बचाना है, क्योंकि अगर सीरिया हाथ से निकल गया तो फिर तेहरान भी हाथ से निकल सकता है। अब दो चीज़ें यहाँ पर और हैं कि ईरान जिस तरीके से इसकी भौगोलिक स्थिति है वो घिरा हुआ है, एक तरफ इसराइल है, एक तरफ इराक है, यमन है, सीरिया है, कुवैत है, तो इन चीज़ों को देखते हुए उसकी जो स्थिति है वो हमेशा नाजुक बनी रहती है। इसराइल से ईरान की शुरू से दुश्मनी है, अमेरिका ओपनली ईरान के ख़िलाफ़ है, और सबसे बड़ी बात ये कि सऊदी अरब, वो ईरानी विचार, और चूंकि ईरान एक शिया बहुल मुल्क है तो वो उसके सोच और मिजाज दोनों नहीं मिलते। दूसरा अब तक गल्फ़ में ये है कि सऊदी अरब की ही एक तरह से एक तरफा राज था, एक छत्र, क्योंकि वो एक तो सऊदी अरब है, हज के लिए लोग वहीं जाते हैं, मक्का मदीना सब कुछ वहीं है, तो सुन्नियों का एक सबसे बड़े गढ़ के तौर पर अगर आप दुनिया में देखें तो सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के लिए अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन ईरान के साथ उसकी यही मजबूरी थी कि ईरान एक शिया बहुल देश है, और बहुत सारी चीज़ों में शिया और सुन्नी में अख्तलाफ है, मतभेद है, तो इसको लेकर सऊदी अरब शुरू से अमेरिका के साथ रहा।
अब ये सारी पृष्ठभूमि हो गई, सारी आपको ज़मीन तैयार हो गई। अब ये जब कुछ फोर्स बना और इसने ख़ास तौर पे सीरिया में जिस तरीके से बशर असद सरकार की मदद करनी शुरू की तो अमेरिका को भी ये बुरा लगा। इस दौरान में ईरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके भी बनाने के लिए अलग अलग बिजली घर और इसके ज़रिए ये एटम बॉम्ब और ये बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका और यूएन इन तमाम लोगों ने कई बार प्रतिबंध लगाए। ईरान की माली हालत भी ख़राब हुई लेकिन ईरान फिर भी खड़ा रहा। फिर जब बराक ओबामा की सरकार आई तब बराक ओबामा ने एक 10 साल के लिए एक समझौता हुआ न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी लेकर हुआ, लेकिन इस समझौते के ख़िलाफ़ बाद में जब ट्रंप आए तो ट्रंप को शुरू से ही जब चुनाव लड़ना था तभी से समझौते के ख़िलाफ़ थे। और 2018 में जो 5 अलग अलग चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका इन लोगों ने मिलकर ईरान के साथ समझौता किया था, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने उस समझौते को तोड़ दिया और उसके बाद फिर से जो आर्थिक पाबंदी और बाकी दूसरी पाबंदी थी वो लगा दी, तो ये रिश्ते वैसे ही ख़राब रहे। इससे पहले कुछ फोर्स की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड का जो विंग है 1998 में इस फोर्स का गठन हुआ और बाद में फिर मेजर कासिम सुलेमानी को इसका हेड बनाया गया। अब मेजर कासिम सुलेमानी अमेरिका के हिटलिस्ट में क्यों? जब ईरान इराक वॉर के बाद सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट गया, सद्दाम हुसैन के तख्ता पलटने के बाद 2005 में जब इराक में चुनाव हुआ और अमेरिका की ही निगरानी में सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त 52% या 51% वहाँ पर शियाओं की आबादी है, तो ये हुआ कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा राष्ट्रपति, तो उसको लेकर इराक के जो शिया बहुल नेता थे उन्होंने ईरान से संपर्क करना शुरू किया और ईरानी नेतृत्व से बात करनी शुरू की। चूँकि इराक में भी जो आर्मी का एक विंग है उसमें बहुत बड़ी तादाद में शिया है, जो मिलिशिया एक गुट है उनका, और वो सारे ईरान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो मेजर सुलेमानी ने 2005 में जब इराक में सरकार बनी सद्दाम हुसैन के जाने के बाद उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया और इराक की सरकार भी कहते हैं कि ईरान के समर्थन से और ईरान को लेकर उनका सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री भी शिया। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद अब इराक और ईरान के बीच में ये जो रिश्ते थे सद्दाम हुसैन के बाद नई सरकार में वो थोड़े से शियाओं और दोनों तरफ की उसको लेकर थोड़े ठीक ठाक होने लगे, लेकिन इसी दौरान में फिर ये हुआ कि इराक में कई जगह पे इराकी दूतावास या इराकी आर्मी के वहाँ पे बाकायदा वो है कैंप है, वहाँ पे उनका अपना करीब 5,000 से ज़्यादा अमरीकी सैनिक हैं अभी भी, उन पर कुछ हमले हुए, कुछ दूतावास पर हमले हुए, कुछ कर्मचारी अमरीकी, कुछ ठेकेदार, कुछ अमरीकी सैनिक ये मारे गए उस वक्त जब ये सद्दाम हुसैन से सारी चीज़ें चल रही थी। तो अमेरिका का इल्ज़ाम है कि अमेरिकी सैनिकों पे, अमेरिकी कर्मचारियों पे, अमेरिकी दूतावासों पे जो हमले हुए वो हमले मेजर कासिम सुलेमानी के इशारे पर हुए, क्योंकि मेजर कासिम सुलेमानी कुछ फोर्स के चीफ और वो अमेरिका से शुरू से अमेरिका को नापसंद करता और इसीलिए ये सारे हमले हुए। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2007 में अमेरिका ने रेवोल्यूशनरी गार्ड और साथ में कुड्स फोर्स के चीफ मेजर कासिम सुलेमानी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और रेवोल्यूशनरी गार्ड को जो इराक ईरान की मतलब एक आर्मी फोर्स है पूरी, उस पूरी आर्मी की आर्मी को भी उन्होंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। दुनिया में ऐसी दूसरी मिसाल कोई नहीं है कि किसी देश की सेना को और किसी देश के सेनापति को कोई टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे, बट ये हुआ 2007 में अमेरिका ने किया, लेकिन उसके बावजूद मेजर कासिम सुलेमानी अपने पद पर कायम। और उसकी एक वजह है कि उसके आयतुल्ला खुमैनी के बाद, आयतुल्ला खुमैनी की बाद में मौत हो गई थी और मरने से पहले उन्होंने अपना जो वारिस बनाया था वो आयतुल्ला खामेनेई है जो अभी इस वक्त, तो आयतुल्ला खामेनेई के कहते हैं कि मेजर सुलेमानी बेहद करीब। इस वक्त ईरान में जो दो सबसे ताकतवर लोग माने जाते थे उसमें से एक धार्मिक गुरु आयतुल्ला खामेनेई, उसके बाद नंबर टू पे मेजर कासिम सुलेमानी। मेजर कासिम सुलेमानी के बारे में कहा जाता है कि जो लगभग सीरिया में बशर असद की सरकार जा चुकी थी लेकिन मेजर सुलेमानी की वजह से जो विद्रोही थे उनका सफाया हुआ।
2014 में आपको याद होगा उस पर एक फिल्म भी बनी थी, शायद ये सलमान खान की टाइगर जिंदा है, जिसमें इराक में कुछ नर्सों की किडनैपिंग की कहानी दिखाई गई थी। लेकिन ये हुआ ये था, 2014 में 46 भारतीय नर्सों को बंधक बना लिया था ISIS ने, बगदादी के आतंकवादियों ने, और उनको तिक्रित शहर में रखा गया था इराक के। तो यहाँ से काफ़ी कोशिश हुई उनको लाने की, बचाने की। तब कहते हैं कि उस वक्त मेजर जनरल सुलेमानी ने भारत की पूरी मदद की, और वहाँ पे जो इराकी फोर्सेस में जो मिलिशियाई आर्मी के लोग थे, उनके ज़रिए वो तिक्रित तक पहुँचे और फिर उन भारतीय नर्सों को छुड़वाने के लिए भारत की पूरी मदद की मेजर सुलेमानी ने। तो मेजर सुलेमानी के नाम पे कई चीज़ें थी। ये भी कहते हैं कि पूरे शियाओं का उनको जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी 2007 में, लेकिन आतंकवादी घोषित कर दिया अमेरिका ने, इसका कई देश ने उस वक्त विरोध भी किया, रूस ने भी, चीन ने भी, बाकी देशों ने भी, लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रही। अब अचानक 2 से 3 जनवरी की रात को मेजर सुलेमानी को एक एयर स्ट्राइक में मारने की वजह क्या थी, और ये दिन या वक्त क्यों चुना गया, तो इसके पीछे की कहानी जो सामने आ रही है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, वो ये है कि अमेरिका का कहना है कि मेजर सुलेमानी 2 तारीख को सीरिया गए, सीरिया में मीटिंग हुई, 2 और 3 की रात को ये बगदाद पहुंचे एयरपोर्ट से, और उसके बाद जो इराक के प्रधानमंत्री थे उन्होंने बुलाया था। 2 पहचान है मेजर सुलेमानी की, एक ये कुछ फोर्स के चीफ मेजर जनरल, दूसरा ये भी है कि कई वक्त पे ये ईरान के लिए फॉरेन मिनिस्टर का भी काम करते हैं, तो विदेश मंत्री के तौर पे भी कई देशों का दौरा किया, मतलब लगभग काम वही होता है। तो वहाँ पहुँचे और उसके बाद काफले पर अटैक हुआ और फिर मौत हो गई। अमेरिका का कहना यह है कि सीरिया के बाद इराक का दौरा मेजर सुलेमानी का इसलिए था और उनको इसलिए मारा गया है क्योंकि ये खून खराबा करने के लिए नहीं मारा गया बल्कि खून खराबा रोकने के लिए किया गया है। अमेरिका का कहना है कि उसके पास रिपोर्ट है कि मेजर सुलेमानी जो है वो अमेरिकी एम्बेसी, अमेरिकी सैनिक अड्डे, इन सब पे हमले बना करने की प्लानिंग कर रहा था, तो इस प्लानिंग को नाकाम करने के लिए मेजर सुलेमानी के ऊपर ही हमला किया गया और इसीलिए ये मौत हुई है। अब ये अमेरिका का स्टैंड है। अमेरिका ने यह भी कहा कि अगर ईरान इसके बदले में कुछ एक्शन लेता है, कुछ हमले करता है, तो करीब 52 ऐसे टारगेट हैं ईरान के जो हमने चुन रखे हैं, वहाँ पे हमले करेंगे। ईरान ने लेकिन ये कहा है, बाकायदा लाल झंडा भी फहरा दिया है कि मेजर सुलेमानी की मौत का बदला ज़रूर लिया जाएगा और बाकायदा जो मेजर सुलेमानी की जगह नए जिसको बनाया गया है वो भी स्टेटमेंट आ गया है कि अमेरिका इसके लिए तैयार रहे। आयतुल्ला खामेनेई ने भी ऐलान कर दिया है कि इस मौत का बदला लिया जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें हैं और अभी तक ये भी कह रहे थे कि ईरान इसलिए खामोश है कि एक बार मेजर सुलेमानी को दफना दिया जाए, वो भी शायद हो गया। तो अब इसके बाद पूरी दुनिया की नज़र यही है और बल्कि धड़कने तेज़ हैं कि क्या होगा, क्योंकि अगर ईरान कुछ करता है तो फिर अमेरिका भी रिटेलिएट करेगा, अमेरिका भी बदला लेगा। तो इन दोनों की ये लड़ाई कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर ये दुनिया 2 खेमों में बंट जाएगा, 2 हिस्सों में। एक तरफ अमेरिका है जिसको इसराइल पूरी मदद करेगा, सऊदी अरब शुरू से ही ईरान के ख़िलाफ़ है तो सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ जाएगा। इराक ने यह कह दिया इस हमले के बाद, इराकी प्रधानमंत्री ने कहा है कि चूंकि ये हमला हमारी सरजमीन पर हुआ है और हमने ही बुलाया था एक मेहमान के तौर पर और अमेरिका ने एक्सेप्ट किया कि उसने मारा है, तो इराक के प्रधानमंत्री ने बाकायदा यह कहा कि अमेरिका की जो सेना इस वक्त इराक में मौजूद है करीब 5,000 वो फौरन इराक खाली कर दे। लेकिन अमेरिका ने खाली करने से मना कर दिया, उसने कहा कि अगर ज़्यादा ऐसा करेंगे तो हम तुम पे भी ऐसी प्रतिबंध लगाएंगे जो अभी तक किसी पे नहीं लगाया। तो अब इराक का क्या स्टैंड होता है ये भी देखना होगा। चीन और रूस ने यह स्टेटमेंट जारी किया है कि ये अमेरिका ने गलत काम किया है मेजर सुलेमानी को अटैक में मारकर। तो इस और जो आपके सीरिया में जो स्टैंड है इन दोनों मुल्कों का, उससे साफ है कि ये लोग ईरान की तरफ जाएंगे। ब्रिटेन का रुख अभी क्लियर नहीं है, फ्रांस का क्या होता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि फ्रांस और जर्मनी ये लोग जो है, जब 2018 में ट्रंप ने समझौते से पीछे हट गए, ये देश साथ रहे ईरान के तो पीछे नहीं हटे। तो ये देखना होगा कि इनका क्या है स्टैंड। तो कुल मिला के बस दुआ यही होनी चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो जिससे तीसरे विश्व युद्ध का ख़तरा बन रहा है,
क्योंकि जंग जो है वो हमेशा कई साल पीछे धकेल देती है इंसान को, तरक्की को, बाकी चीज़ों को। और सबसे बुरा असर जो पड़ेगा वो फिर तेल की कीमतों पर पड़ेगा, कच्चा तेल और उसकी सप्लाई, वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी। तो पूरी फिर जब तेल की कीमत पर कोई चीज़ का असर पड़ता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपके किचन की हर चीज़ महंगी होगी, क्योंकि फिर उसी तेल से आप ट्रेन या सड़कों के रास्ते, चाहे वो अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, दूध हो, इसको ढोकर लाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। तो ख़तरा यही है कि कहीं अगर ऐसा इन दोनों के बीच में कुछ होता है और ईरान जो है वो ये कह भी रहा है कि बदला लेना है, तो उसका बदला लेने के बाद अमेरिका भी चुप नहीं रहेगा, तो फिर कहीं ये दोनों की ये आपसी जो दुश्मनी है ये दुनिया को जंग के उसमें ना झोंक दे, खतरा इस बात का है। पर दुआ यही है कि ऐसा ना हो, सभी सुख शांति से रहें, अच्छे रहें। तो ये कोशिश थी मेरी पूरी आपको ईरान, इराक, अमेरिका, मेजर सुलेमानी की चीज़ों को समझाने की। पता नहीं मैं अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब रहा, लेकिन चलिए कुछ कमी रह गई होगी तो आप लोग बताइएगा। अब आसिम बैठा हुआ, फटाफट सवाल शुरू कर। आमिर साहब, भारत का इसमें स्टैंड, आपने अच्छा सवाल किया, मैं यही स्टैंड एक रह गया इस पूरे मामले में। पिछले तीन दिनों में भारत का स्टैंड जो है वो बड़ा क्लियर है। एक्चुअली हम लोग थोड़े एक कश्मकश में हैं। सालों पुराना, दशकों पुराना ईरान भारत का दोस्त है और अमेरिका से हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, तो हम दोनों के खिलाफ नहीं जा सकते। और ईरान ने हमेशा दोस्ती निभाई, हम लोगों ने भी दोस्ती निभाई है, मदद भी की, जैसा मैंने आपको बताया। तो ईरान में जो कुछ हुआ उसके खिलाफ़ भी भारत बयान नहीं दे सकता, अमेरिका के सपोर्ट में भी नहीं दे सकता। तो बड़ी कश्मकश दुविधा में, इसलिए भारत फिलहाल जो है इस मामले में एक न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ। सर विवेक निगम बोल रहे हैं कि अमेरिका खुद को बॉस समझता है जो हर ऐसी कंट्री पे हमला कर देता है जिस पर। जी विवेक निगम साहब, अमेरिका के बारे में शुरू से यही है कि वो अपने आप को बॉस, सुपर पावर, दादा, सब कुछ समझता है। और यही चीज़ें होती, मैं कई बार कह चुका कि पहले लादेन को भी उसने खड़ा किया फिर मारा। 1980 के ईरान इराक के जंग में आप देखिए कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया, उसके बाद 2002 के बाद उसी सद्दाम हुसैन को पकड़ के फिर मार देता है। तो ये अमेरिका के शुरू से ये सारी चीज़ें रही हैं। सर सीकर्स वर्ल्ड बोल रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि ये वक्त आ गया कि पूरी दुनिया को अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अपना हथियार का बिजनेस बढ़ा रहा है। दुनिया लगभग अमेरिका के ख़िलाफ़ ही है, मेरा अपना जहाँ तक मानना है। कुछ वजह हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें सारी सामने नहीं आती हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ऐसे अमेरिका की दादागिरी चलती है वहाँ वहाँ लोग आवाज़ तो उठाते ही हैं। इवन जैसे भारत के ही मामले में वो जो कश्मीर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया, उसको ले एकजुट सब ने, हम लोगों ने आवाज़ उठाई भारत ने, तो फिर वापस रुख मोड़ना पड़ा। तो ये चीज़ें हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये मशहूर है कि वो पता नहीं एक अमेरिकी अखबार ने कहा था कि दिन भर में कितनी झूठ बोलते हैं या क्या कहते हैं उन्हें खुद याद नहीं रहता, तो ये भी एक पहलू है। सर दिलकश जी हैं, बोल रहे हैं सर अमेरिका जिसको चाहे उसको बैन लगा देता है, इसके खिलाफ यूएन में कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। दिलकश जी क्या करें, अमेरिका के असल में ये भी कहते हैं कि यूएन जो है वो भी अमेरिका की धरती पर है, सरजमीन पर है, और कई कंट्रीज का तो ये इल्ज़ाम है सीधे सीधे कि यूएन वही करता है जो अमेरिका कहता है। सर जगदीश जोशी बोल रहा है ईरान अभी कुछ नहीं करेगा, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और थोड़ा बढ़ाएगा फिर हमला करेगा। जगदीश जी मेरी तो दुआ ये है कि ऐसा कुछ ना हो, सब कुछ पीसफुली हो, क्योंकि जंग, दुश्मनी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें आपको ही पीछे ढकेल कर ले जाती हैं। सर अजय जयसवारा जी बोल रहे हैं कि अमेरिका जो करेगा वही सही रहेगा, ये नियम बाकी कंट्रीज पे क्यों नहीं लागू होता। अजय जी मुझे आपसे मतलब मैं आपकी जो बात है उससे सहमत हूँ कि वो जो कहेगा वही करते हैं, बाकी पे क्यों नहीं लागू होता, बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में बदलेगा, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, और किसी एक मुल्क की, किसी एक देश की दादागिरी वैसे भी नहीं चलनी चाहिए। सर अतीत एक करके अकाउंट है बोला अगर सुलेमानी ने इंडियन नर्सिस को रिलीज करा लेना हमारी मदद की थी तो हमारे लिए तो वो सही हुआ, फिर भारत ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया। मैंने आपको बताया कि हमारे लिए अभी स्टैंड लेना इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल, थोड़ा सा कश्मकश यही है कि एक तरफ ईरान से हमारी दोस्ती है, दूसरी तरफ अमेरिका से हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं। तो कई बार डिप्लोमेटिक जो ये सारी चीज़ें होती हैं और डिप्लोमेसी में आपको सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है। सर अदनान शम्स बोल रहा है लगता है अमेरिका अपने उन मूलभूत चीज़ों को भूल गया जिस पे उनका देश खड़ा हुआ था। अदनान साहब अब क्या बात करूँ इस पे, कितना इस पे अमेरिका क्या भूला क्या नहीं किया, मुझे लगता है जो पॉलिटिकल पंडित एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर बता सकते हैं, मेरी इस बारे में नॉलेज बड़ी कम है। सर कमकार जी हैं बोले ईरान से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है या अमेरिका
कि अपनी होती अपनी लड़ाई को भारत और दूसरे देशों पर थोप देता है? अमेरिका की शुरू से यही रहा है कि मैंने आपको जैसा कहा कि जहाँ जहाँ पे बातचीत से हो गया, जहाँ से धमकी के हो गया, जहाँ डरा कर हो गया, और नहीं तो फिर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये तो शुरू से रवैया स्टैंड रहा अमेरिका का। सर, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आपकी बर्थडे की पार्टी कब और कहाँ लेनी है। थैंक यू वेरी मच, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मैंने शुरू में ही दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, इतने सारे विशेज, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे मेल, और कुछ ने गिफ्ट भेज दिया। लेकिन आज मैं पूरी क्राइम टेक फैमिली में कहता हूँ, मैं गिफ्ट के बड़ा खिलाफ रहता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को एड्रेस नहीं भेजा। आपका प्यार, आपकी दुआएं, कुछ लोगों ने ये लिखा है मुझे, मेरे लिए वही कीमती हैं, वही ज़रूरी हैं। तो बस आप लोग दुआएं दें, अपना प्यार दें, मेरे लिए इससे अनमोल कोई चीज़ है ही नहीं। सर, विश्वजीत जी बोल रहे हैं कि हमारे, मुझे तो लगा था हमारे देश में ही लोग जाति को लेकर लड़ते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर भी ऐसा होता है, ये सुनकर हैरान है। हर जगह विश्वजीत जी, दुनिया में इंसानी है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी में झगड़ा होता है, बाकी भी देशों में ऐसा होता है, और ख़ासतौर पे ये जो पूरा अपना मिडिल ईस्ट है, इसको ये चीज़ें ही जो मैंने बताया ना कि 79 के बाद जिस तरीके से आया, और फिर आयतुल्ला खुमैनी का एक तरह से उरूज होता है वहाँ पर, और वहाँ एक इस्लामिक राज्य बनता है, सऊदी अरब को अपनी जो है वो ख़तरे में दिखाई देती है अपनी लीडरशिप की, वो अब तक इस इलाके का एक वो भी, मतलब आप ये देखें कि जैसे अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, दुनिया का अपने आप को दादा मानता है, तो इस पूरे रीजन में सऊदी अरब को लगता था कि उसके कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो उन्हें भी एक ख़तरा महसूस हुआ। ये भी है कि ईरान क्रांति ने कई देशों को ये रास्ता भी दिखाया, उसके बाद कई देश में क्रांति हुई, तख्ता पलट हुआ, तो सऊदी अरब में भी एक किंगडम ही है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये डर रहता है कि कहीं उनके सऊदी अरब के लोग भी ईरान के नक्शे कदम पर न चलें, सत्ता परिवर्तन ना हो। इराक में सद्दाम हुसैन ने किया ही इसलिए था, इराक ईरान जो वॉर हुई, क्योंकि 79 में उधर क्रांति हुई, उसको लगा कि 80 में सद्दाम हुसैन को यह डर था कि शायद यहाँ भी कुछ ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं असर करती हैं, और इसी डर की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदली। सर, 1979 में ईरान ने जो 52 लोगों को हॉस्टेज बनाया था, इसकी कहानी भी आप सुनाइए, अक्षर हो। ठीक है अक्षर साहब, मैं इसकी कहानी जल्दी सुनाता हूँ। जो हॉस्टेजेस थे इस पर, शायद इसकी एक फिल्म आई थी, एग्रो या एर्गो, नाम भूल रहा हूँ, लेकिन चलिए मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। सर, सुशांत जी बोल रहे हैं कि वारदात भी आपका इसी पर है। सुशांत जी, हाँ, वारदात तो आज इसी पे है। एक्चुअली वो थोड़ा जो लाल झंडे वंडे फहराए गए, उसके विजुअल आए, और किस तरीके से बाकी चीज़ें हुई हैं, तो आप 11 बजे मौका मिले तो वारदात देखिएगा। फिर आखिर में आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और फिर यही कि 2020 में शायद ये पहला लाइव है मेरा, अब तक रिकॉर्डेड कहानी सुनाई थी, तो आज लाइव है मंडे, अब मैं कंटिन्यू लाइव पे हूँ। तो तमाम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, अच्छे रहें आप लोग, सेहतमंद रहें, खुश रहें, और इसी तरह अपना प्यार देते रहें। तो कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।